Actually, I'm very glad that you asked me this question. और जो बात मैं कहना चाहूँगा वो ये कि ये किसी किताब पे आधारित नहीं और ये काफी समय से मेरे ख्याल से क्योंकि नाम में ठग है इसलिए लगा हुआ है कि ये एक किताब है बहुत पहले लिखी गई थी ठगी के ऊपर पर इसका उससे कोई लेना देना नहीं क्या बात है ये इसकी जो भी अच्छाई या खामी है वो इस दिमाग से उपजी है तो सारी इनकी जिम्मेदारी सो इट्स नॉट बेस्ड ऑन अ बुक एंड द आइडिया ऑफ इट केम लार्जली बिकॉज देयर वाज व्हेनेवर वी मेड अ पीरियड फिल्म वी मेड वेरी रेवरेंशियल पीरियड फिल्म्स हम लोग हमेशा बहुत मुझे लग रहा था कि अगर हम एक थोड़ी सी इररेवरेंट फिल्म जिसमें एक चरित्र ऐसा हो जो जो शायद उतना नोबल और वर्चुअस नहीं है जितना हमें नॉर्मली लगता है दैट माइट बी इंटरेस्टिंग एंड एंड आई थिंक पीपल लाइक टू कम टू द थिएटर्स इट्स हार्ड टू गेट देम टू द थिएटर सो थोड़ा सा spectacle ho to they might come easier absolutely I think a film like this deserves the biggest screen in the world I would say that thank you Mr. Bachchan such an honor to share the stage with you every time around actually ye jo sawal hai mera aapke liye is going to be slightly more a deeper a connection with the day of today which is a very khas din hum sab ke liye jo yes ji ke fans hai I think it's a very beautiful opportunity to release the trailer on such a day iske bare mein agar aap apne fans se do teen baatein karenge to mujhe bada acha lagega जी आज यश चोपड़ा जी का जन्म दिवस है और उनके साथ हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है आज जब इस पैमाने पर एक यशराज फिल्म से एक फिल्म आती है तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब यश जी का एक छोटा सा दफ्तर होता था राजकमल स्टूडियो में एक छोटा सा कमरा था जो कि इतने दायरे में था वहीं वो बैठते थे और एक उनका अकाउंटेंट और छोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज़ होती थी जो फिल्म वो बना रहे थे उनकी चीज़ें रखी होती थी वहाँ से आज यशराज फिल्म्स एक इतनी बड़ी संस्था बन गई है तो श्रेय सब उन्हीं को जाना चाहिए और उसके बाद उनके पुत्र आदि चोपड़ा को जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की जो भी आशाएँ थी उनको पूरा किया और बहुत ही खूबी से पूरी कर रहे हैं तो मेरे लिए उनके साथ काम करना या यशराज फिल्म में काम करना एक घरेलू एक परिवार की तरह हमेशा रहा है बुरे वक्त में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और जब कभी भी उनकी ओर से या यशराज फिल्म की ओर से कोई भी निमंत्रण आता है तो मैं उसे आंख मूंद करके स्वीकार कर लेता हूं यही वजह कि आज आप मुझे यहां पा रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन अमिताभ बच्चन प्लीज गिव हिम ऑल लव एंड ऑल द रिस्पेक्ट Hi, Sophia. I'm Sana. I'm Fatima. I have so much to ask you. Okay, सबसे पहले that bow. I believe it's very hard, actually, वो धनुष बाण चलाना. Okay, let's ask you a little bit of the physical training that you had to undergo to become Sophia. बहुत physical training कराई है इन सब ने मुझसे. Okay. दंगल के बाद again I got into it, but बहुत मजा आया क्योंकि मैंने archery पहले कभी की नहीं है तो मुझे वो सीखने मिली. दंगल वॉज वेरी यू नो ग्राउंडेड स्पॉट और इसमें मुझे बहुत एजाइल होना था तो काफ़ी मुश्किल था पर बहुत मजा आया Fabulous. Thank you so much. Ladies and gentlemen, please give her a big hand and a warm welcome as one of the tuggies on the stage today. हमारी नजर और हिंदुस्तान की नजर सुरैया आप पर let's break this down. I want to tell you that tweet of Bachchan Sahab absolutely floored all of us. इन्होंने कहा आपकी शान में कि अगर आप हो तो वो बार बार ये फिल्म देखने आएंगे बड़े पर्दे पर एंड दैट्स व्हाट इट डिजर्व्स. सो कंग्रेचुलेशंस, यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग. और मेरा ट्वीट भूल गए आप? I'm trying. पढ़ाई नहीं. I'm trying. ये लो यार. I was trying. But yes, Katrina, I'd love to know, of course, how is it playing Suraya aapke liye? Good morning, everybody. it was absolutely fantastic. This is my second film with Victor Sir, and he's just such a phenomenal director to work with. Every time I work with him, I'm blown away by his vision, by the spectacle that he tries to create, that he wants to create. And it was very, very gracious of Mr. Bachchan and Amit for their kind words. Let's put it that way.
But I really think that just to be a part of this film is a huge honor for me. The kind of entertainment that I know Victor Sir, you know, the whole team wants to bring to the audience, I think he's managed to do that with the film, and I think it will be a very special film to remember always. Absolutely, it will be. Thank you for your response to that question. Ladies and gentlemen, as I said, a piece of my heart, Aamir Khan, how are you doing? Of course, the haircut looks fabulous right now. Pichli baar jab hum mile the ek manch par, you had that beautiful nose ring and you had your hair, your long locks and that moochie, and finally it's off. So how does it feel to actually, you know, deforest, as they would say? Well, actually it's both things. Sometimes, you know, when you come out of a character, then you miss it a lot as well. So I miss my long hair and my various piercings, and sometimes I also feel a little relieved. Yes, in fact, that character. लंबे लंबे बाल बहुत ज़्यादा अभी दो साल से. दो साल से बिल्कुल बिल्कुल. मुझे आपसे पूछना है, वो जो पट 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 करके आपने डायलॉग जो हमें सुनाया, that was breathtaking literally. So could you do a little bit of that for us, perhaps? One two dice and bloody hell nonsense quick much wonderful three poor body getting good night. Absolutely fabulous. And with that, in thagon se aap sawal jawab zarur kijiyega. Ask them fun, interesting questions. The floor is now open for questions from my friends of the media. I give you a team, Thugs of Hindustan. Bachchan sir, on your right. On your right. This is Simran Singh here from Book My Show. On your right, Bachchan sir, yahan pe, ekdam kon mein, yahan pe, ji. Sir. It's good to have you back on screen. वो भी एक action अवतार में, बड़े time बाद हम आपको ऐसे एकदम hardcore action अवतार में देख रहे हैं. So please अगर आप action scene के बारे में बताएंगे जो आपने किए हैं और जो आपने stunts किए उसके वजह से शायद आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज हुई थी, तो please उसके बारे में आप खुद बताइए कि कैसा रहा वो माहौल एंड stunts जो किए वो कैसा था, please खुद डिस्क्राइब कीजिए. सर ये हमारी उम्र नहीं है ये सब करने की, लेकिन विक्टर सर ने कहा कि करना है तो कर दिया और अभी तक भुगत रहे हम, क्योंकि शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो कि टूटा ना हो. और अभी भी हम कई अस्पतालों, कई डॉक्टरों से मुलाकात हो चुकी है, कुछ सुधार नहीं हुआ है. क्या कहें इसके बाद? एक तो सर क्या है कि आम कपड़ा अगर पहना देते तो चलिए फिर भी ठीक होता, लेकिन पहना दिया इन्होंने ये आर्मर. गनीमत है कि लोहे का नहीं था. लोहे से छुटकारा मिला था शहनशाह के बाद, हमने कहा चलो बच गए, लेकिन यहाँ फिर इन्होंने पहना दिया. तो फिर उन्होंने कहा नहीं सर, ये लोहा जो है वो कैमरा के लिए अच्छा नहीं है, इसको हम आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं, चमड़े का बना देते हैं. लेकिन जो चमड़ा इन्होंने चुना वो इतना मोटा था, तो उसका वजन कम से कम 30-40 किलोग्राम होगा और भर गया. ऊपर से दो ठो तलवार दे दिया, एक ठो यहाँ पर डैगर दे दिया, पगड़ी दे दी, बाल दे दिए. सर ये तो सबसे मुसीबत वाली बात होती है, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे लगते हैं उसको लगाने में. उसके बाद इधर से कूदो, उधर से कूदो, यहां मारो वो मारो, ये सब शुरू हो गया. और जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये कि जितना ये एक्शन था ये सब बरसात में हो रहा है, और जब पानी बरसे तो वो जो चमड़ा था वो सब सोख ले पानी, तो 20-30 किलोमीटर और बढ़ जाता था. इतना भार उठा करके इन्होंने हमसे काम करवाया है, बाकी इन्हीं से पूछिए क्यों करवाया ऐसा. देखिए सर, आपके नाम में इतना वजन है कि उसको कॉस्ट्यूम हल्का आपको दे ही नहीं पाए. अमित सर डायलॉग बोलना मेरा काम है. सर डायलॉग मत बोला कीजिए आप. अमित सर, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज. अमित सर, लेट 80s में आपने एक फिल्म की थी अजूबा, जो एक पीरियड फिल्म थी शशि कपूर साहब की. अगर आपकी बात की जाए 3 दशक बाद, कितना कुछ आसान हो गया इस तरह की फिल्में बनाना, क्योंकि पहले VFX नहीं होते थे, इस तरह की टेक्निक नहीं होती थी, इस तरह के स्टंट्स नहीं होते थे, मॉडर्न स्टंट्स जिस तरह से फिल्माए जाते हैं, अब कितना आसान हो गया पिछले 3 दशकों में, अगर आपसे मैं पूछूं तो? आसान बिल्कुल नहीं हुआ भाई साहब, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो और भी भयंकर काम करवाने लग गए. अगर नहीं सब टेक्नोलॉजी से संभाल लेंगे तो करना उतना ही पड़ता है. फर्क यह है कि शायद उस जमाने में हमसे कम करवाते थे, क्योंकि हमसे संभव नहीं होता था करना. कहीं से कूदना हो, कहीं से गुलाटी मार करके जाना हो, तो वो छोटा रास्ता होता था या कम हाइट होती थी. अब कहते हैं से नहीं बनी, इंदु जी की जिंदगी कहीं और चली गई, तो
ऐसा मौका एक दफ़ा आया था लेकिन फिर वो हुआ नहीं, और तब से मैं अब तक इंतज़ार ही कर रहा था कि मुझे ये मौका मिले, और अमित जी के साथ फिल्म के लिए ना करने की मेरी हिम्मत ही नहीं। तो बहुत बहुत सालों से मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप एक, दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि आमिर खान केवल आमिर खान ही नहीं है, ये प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, मार्केटिंग जीनियस भी हैं, एग्जीबिटर भी हैं और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, उसके बाद जाकर के एक ब्रिलियंट एक्टर हैं। तो इनके साथ मुकाबला करना बड़ी कठिन काम हो जाता है। तो मैं कब से कह रहा हूँ उनसे कि भाई साहब एक फिल्म आप उसका निर्देशन कीजिए, हमें कहीं छोटा सा एक रोल दे दीजिए, पीछे झंडा उंडा हम हिलाते रहेंगे, ये मान ही नहीं रहे, कब से मैं इनको बोल रहा हूँ। सर आज सबके सामने सार्वजनिक कर दिया है मैंने ये बात, आप इनकी बात नाउ यू हैव टू मान रही, यू हैव टू, अरे प्लीज इसको आप एडमिट कर लीजिए भाई साहब। अब आपको एक फिल्म देनी पड़ेगी सर, मेरी ये खुश नसीबी होगी अगर मैं, और दो तीन मैंने आइडिया भी दिए इनको कि भैया इस पे कहानी बनाओ तो ये कहते हैं अच्छा सोचता हूँ मैं। और दो तीन बार ऐसा हुआ है कि कई बार मैंने इनसे कहा ये बहुत अच्छी कहानी रहेगी अगर आप करेंगे तो मैं इसमें, अच्छा सोचता हूँ मैं, और सोचते सोचते कई बरस बीत गए। मेरा एक और सवाल है आपसे, जो पूरे ट्रेलर में जो बहुत अच्छी बात लगी, आप गधे पर क्यों सवार हैं? मतलब कुछ खास आपके कैरेक्टर के साथ उसकी कुछ सिमिलैरिटी या सर, कुछ ये कहानी जो है और किरदार जो है वो विक्टर साहब ने लिखा, आप ही बस समझाइए आपने मुझे गधे पे क्यों बैठा दिया, और बड़ा मुश्किल था उस पर बैठना, इतना आसान नहीं था। सर आप बहुत मुश्किल रोल बड़ी आसानी से निभा जाते हैं, तो इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और वो मैं आपको 8 तारीख को दिखा दूंगा, तो उस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी। पर फिलहाल ये है कि ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने, आपने हीरोज़ को देखा होगा लैम्बोर्गिनी पे आ रहे हैं, कोई हवाई जहाज से आता है, कोई पानी से निकल आता है, ये हीरो ऐसा है, ये गधे पे आता है और सबको ठग के जाता है। And the donkey is a very philosophical animal. That's the thesis of my next film. Victor, ये पूरी ये जो journey है, hi center, जी जी यहाँ पे, जो पूरी journey है Thugs of Hindustan का, trailer launch हुआ है, हम सब trailer हमने देखा इसका, पूरी journey में जो challenges क्या क्या रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी cast, इतना बड़ा canvas, एक period film बनाने में I think काफ़ी कुछ चुनौतियाँ रही होंगी, क्या कुछ challenges रहे? ये चैलेंजेस बताने में 2 साल लगेंगे, उतना समय अगर आप मुझे दें तो मैं आपको बताऊं, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ समथिंग लाइक दिस विच इज़ इन ऑल ह्यूमिलिटी आई थिंक वी वुड लाइक टू से दैट एज अ टीम वी हैव ट्राइड टू डू समथिंग विच इज़ प्रॉबली नॉट बीन अटेम्प्टेड बिफोर इन मेनी वेज, सम ऑफ इट वुड बी टेक्निकल, सम ऑफ इट वुड बी लॉजिस्टिकल, तो उसमें चुनौतियाँ बहुत आईं और चुनौतियों के ऊपर जीतना भी आया, और सबसे ज़्यादा मज़ा उस बात का है कि आप सेट पे जाते हैं और शाम को आप बहुत थक के लौटें लेकिन आपको लगे कि हमने आज कुछ किया जो जो अच्छा हुआ, दैट्स अबाउट इट आई थिंक। आमिर आमिर अमित जी, फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस हियर ऑन द ट्रेलर, एज समवन हु हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, तनुश्री दत्ता रिसेंटली लाइक शी अक्यूज वेटरन एक्टर नाना पाटेकर ऑफ सेक्शुअल मिसकंडक्ट ऑन द सेट्स ऑफ अ मूवी। I want to ask, especially Amir and Amitji, I want to ask your reaction. Also, she revealed a lot of other truths about the film industry. Firstly, I want to know your reaction on accusing Nana Patekar, a veteran actor like Nana Patekar, of sexual misconduct. Sir, na to mera naam Tanushree hai aur na hi Nana Patekar. Kaise uttar do aapke sawal ke? Well. I think without knowing the veracity of something or the details of something, I don't think I can comment on it. It's not right for me either way to comment on it. But I would like to say that whenever something like this does happen, it's a really sad thing. Now whether this has happened and you know that is for people to investigate, I don't think we can comment on that. Amir sir, same, yeah, center. जैसे बच्चन सर ने भी बोला उस ग्रैंड पिक्चर में कटरीना एंड बच्चन सर को क्यों नहीं आप इनवाइट किया गया? अरे सर ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, मैं आपको बता दूं, एंड कटरीना इज रियली विद मी ऑन दिस एंड वी आर डीपली डिप्रेस्ड
because we were not invited to this gathering. And we're going to hold it against you, Amit. Sir, Kash, wo mera ghar hota aur Kash. And Ranbir and everyone. Victor here. On behalf of Amitabh Bachchan fans and Aamir Khan fans, you know, thank you for fulfilling our 20-year-old dream. 1998, I think, Rishta was supposed to get launched and uske baad Happy New Year, Happy Diwali. Aur aaj aapne wo kiya hai, toh thank you so much. Thank you. All right. Aamir sir, main Sandeep, ANI se, yahan pe. Bahut achhe film ka trailer hai, bahut maza aaya dekh karke. Aapki ek film bani thi, PK. Kaafi kuch samajhne aur dekhne ko mila aur aise hisse ko aapne explore kiya jo kabhi kisi ne socha nahi tha. सर सवाल आपसे ये है, क्या पूजा पाठ करने के लिए किसी जगह पर जा कर के या इबादत करना या नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है? और मेरा सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर के सुनवाई है. सर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी फिल्म आई थी और आपने बहुत अच्छे मैसेज दिए थे उस फिल्म से. I would actually request that we use this forum to talk about thugs of Hindustan. No, I request you, ma'am, please let him speak. No, I'll tell you why I won't speak, because hamari film release par hai. Main kuch bhi bol dunga, meri film ruk jayegi. To film ki release ho jaye, uske baad main ye sare sawal ke jawab dunga. Thank you. Bachchan sir, Bachchan sir. दरअसल ये फिल्म जो है, इट इज़ एन एक्शन एडवेंचर फिल्म, एंड इन दैट सेंस द जॉनर इज सिमिलर. पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का भी जॉनर एक्शन एडवेंचर है, इसका भी एक्शन एडवेंचर है. कहानियों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, जो जॉनर है उसमें सिमिलैरिटी ज़रूर है. जी बच्चन सर, सॉरी, दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन, लेट मी क्यू यू, दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन. माय क्वेश्चन सर, बच्चन सर, रसल डिसिल्वा. Sir, in the motion poster, your name is given as Khuda Baksh, but here in the trailer, everyone is calling you Azad. Why is that, sir? So that you can go and see the film and find out why. On that note, I think this is all the time we have. One last question, your Manisha, you're from Friday Talks. Pooch lene dijiye, kahan baar baar mauka milta hai in sab logon. Sir, upar. Yes. I want to ask all of you whether you've ever thugged in life. Haan, maine to bahut logon ko thaga hai yaar. I have to admit. Thug ka matlab samjhaiye pehle. Like maybe when you were small, maybe a thug. So you didn't want to go to school and you did something to avoid going to school. Haan, jab school mein the. तो वो टिफ़िन होता है ना, वो साथ में दिया जाता था. हम खाते होते नहीं थे उसको, लेकिन जब वापस आते थे और जब बस से उतरते थे एक चौराहे पे जहाँ से हमको पैदल जाना पड़ता था अपने घर पे, तो वहीं कोने में झाड़ी में हम खाना फेंक देते थे और टिफ़िन खाली ले जाते थे. तो घर पे ऐसा लगता था खाना खा के आए. Would you like to share it? No. Katrina, could we hear from you on this one, please? Katrina, could we please hear from you? I don't think I've done any such misdeeds. A well-behaved girl. Victor? मैं अपना बताऊं या बाकी सब? आपका. Katrina पूरे देश को ठग रही हैं आप. क्या बात? क्या? नहीं, मैं बहुत ही सीधा और शरीफ इंसान हूँ. मैंने आज तक किसी को नहीं ठगा. और ना ही मैं सिर्फ ऑडियंस को ठगना चाहता हूँ बस. फातिमा? मैं तो सबसे सीधी लड़की हूँ. मैं नहीं ठग सकती किसी को, इतना मासूम चेहरा. आई थिंक योर आंसर इज प्रीटी एविडेंट बाय दिस टाइम. And I think with that, we must say that we have introduced the thugs of Hindustan to you, ladies and gentlemen. Can I please request our friends from the press who would like to get a lovely shot of the cast to kindly get ready with your cameras? Can I please request our wonderful team of thugs of Hindustan to kindly step forward and take that wonderful, glorious photo that is going to break the internet today? Like to. All right, are you ready? Present.
chanting, doing parts of Hindustan to you. To you in Hindustan, thank you. Now center. That's the EF, right? Sir, only that. Ladies and gentlemen, thank you so much. We love you, EF. Thank you so much, and thank you, friends of the media, for being here today. It's been an absolute pleasure. 8th of November, don't forget, thanks for this time. से नहीं बनी हिंदू जी की जिंदगी कहीं और चली गई तो ऐसा मौका एक दफा आया था लेकिन फिर वो हुआ नहीं और तब से मैं अब तक इंतजार ही कर रहा था कि मुझे ये मौका मिले और अमित जी के साथ फिल्म के लिए ना करने की मेरी हिम्मत ही नहीं तो बहुत बहुत सालों से मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप एक दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि आमिर खान केवल आमिर खान ही नहीं है ये प्रोड्यूसर भी हैं डायरेक्टर भी हैं राइटर भी हैं म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं मार्केटिंग जीनियस भी हैं एग्जीबिटर भी हैं और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं उसके बाद जाकर के एक ब्रिलियंट एक्टर हैं तो इनके साथ मुकाबला करना बड़ी कठिन काम हो जाता है तो मैं कब से कह रहा हूँ उनसे कि भाई साहब एक फिल्म आप उसका निर्देशन कीजिए हमें कहीं छोटा सा एक रोल दे दीजिए पीछे झंडा उंडा हम हिलाते रहे ये मान ही नहीं रहे कब से मैं इनको बोल रहा हूँ सर आज सबके सामने सार्वजनिक कर दिया है मैंने ये बात आप इनकी बात नाउ यू हैव टू अरे प्लीज इसको आप एडमिट कर लीजिए भाई साहब अब आपको एक फिल्म देनी पड़ेगी सर मेरी ये खुश नसीबी होगी अगर मैं और दो तीन मैंने आइडिया भी दिए इनको कि भैया इस पे कहानी बनाओ तो ये कहते हैं अच्छा सोचता हूँ मैं और दो तीन बार ऐसा हुआ है कि कई बार मैंने इनसे कहा ये बहुत अच्छी कहानी रहेगी अगर आप करेंगे तो मैं इसमें अच्छा सोचता हूँ मैं और सोचते सोचते कई बरस बीत गए मुझे गधे पे क्यों बैठा दिया और बड़ा मुश्किल था उस पर बैठना इतना आसान नहीं था सर आप बहुत मुश्किल रोल बड़ी आसानी से निभा जाते हैं तो इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी और वो मैं आपको 8 तारीख को दिखा दूंगा तो उस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी पर फिलहाल ये है कि ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने आपने हीरोज़ को देखा होगा लैम्बोर्गिनी पे आ रहे हैं कोई हवाई जहाज़ से आता है कोई पानी से निकल आता है ये हीरो ऐसा है ये गधे पे आता है और सबको ठग के जाता है एंड द डोंकी इज़ अ वेरी फिलोसॉफिकल एनिमल दैट्स द थीसिस ऑफ माई नेक्स्ट फिल्म विक्टर ये पूरी ये जो जर्नी है हाय सेंटर जी जी यहाँ पे जो पूरी जर्नी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर लॉन्च हुआ है हम सब ट्रेलर हमने देखा इसका पूरी जर्नी में जो चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट इतना बड़ा कैनवस एक पीरियड फिल्म बनाने में आई थिंक काफ़ी कुछ चुनौतियाँ रही होंगी क्या कुछ चैलेंजेस रहे ये चैलेंजेस बताने में 2 साल लगेंगे उतना समय अगर आप मुझे दें तो मैं आपको बताऊं कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ समथिंग लाइक दिस विच इज़ इन ऑल ह्यूमिलिटी आई थिंक वी वुड लाइक टू से दैट एज अ टीम वी हैव ट्राइड टू डू समथिंग विच इज़ प्रॉबली नॉट बीन अटेम्प्टेड बिफोर इन मेनी वेज सम ऑफ इट वुड बी टेक्निकल सम ऑफ इट वुड बी लॉजिस्टिकल तो उसमें चुनौतियाँ बहुत आईं और चुनौतियों के ऊपर जीतना भी आया और सबसे ज़्यादा मज़ा उस बात का है कि आप सेट पे जाते हैं और शाम को आप बहुत थक के लौटें लेकिन आपको लगे कि हमने आज कुछ किया जो जो अच्छा हुआ
that's about it, I think. Amir, Amitji, firstly, congratulations here on the trailer. As someone who have been in the industry for so long, I want to ask you this question. Tanushree Datta recently, she accused veteran actor Nana Patekar of sexual misconduct on the sets of a movie. I want to, especially Amir and Amitji, I want to ask your reaction. Also, she revealed a lot of other truths about the film industry. Firstly, I want to know your reaction on accusing Nana Patekar, a veteran actor like Nana Patekar, of sexual misconduct. Sir, na to mera naam Tanushree hai aur na hi Nana Patekar. Kaise uttar do aapke sawal ke? Well, I think without knowing the veracity of something or the details of something, I don't think I can comment on it. It's not right for me either way to comment on it. But I would like to say that whenever something like this does happen, it's a really sad thing. Now, whether this has happened and, you know, that is for people to investigate, I don't think we can comment on that. Amir sir, same, yeah, center. Jaise Bachchan sir ne bhi bola, us grand picture mein Katrina and Bachchan sir ko kyun nahi invite kiya gaya? अरे सर ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा मैं आपको बता दूं एंड कैटरीना इज रियली विद मी ऑन दिस एंड वी आर डीपली डिप्रेस्ड बिकॉज़ वी वर नॉट इनवाइटेड टू दिस गैदरिंग एंड वी गोइंग टू होल्ड इट अगेंस्ट यू आमिर सर काश वो मेरा घर होता और काश एंड रणबीर एंड एवरीवन विक्टर या On behalf of Amitabh Bachchan fans and Aamir Khan fans, you know, thank you for fulfilling our 20-year-old dream. 1998, I think, Rishta was supposed to get launched and uske baad Happy New Year, Happy Diwali. Aur aaj aapne wo kiya hai, toh thank you so much. Thank you. All right. Aamir sir, main Sandeep, ANI se, yahan pe. Ji. Bahut achhe film ka trailer hai, bahut maza aaya dekh karke. Aapki ek film bani thi, PK. Kaafi kuch समझने और देखने को मिला और ऐसे हिस्से को आपने एक्सप्लोर किया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था सर सवाल आपसे ये है क्या पूजा पाठ करने के लिए किसी जगह पर जा कर के या इबादत करना या नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है और मेरा सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर के सुनवाई है सर आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपकी फिल्म आई थी और आपने बहुत अच्छे मैसेज दिए थे उस फिल्म से I would actually request that we use this forum to talk about thugs of Hindustan. No, I request you, ma'am, please let him speak. No, I'll tell you why I won't speak because हमारी फिल्म रिलीज पर है। मैं कुछ भी बोल दूँगा मेरी फिल्म रुक जाएगी। तो फिल्म की रिलीज हो जाए उसके बाद मैं ये सारे सवाल के जवाब दूँ। Thank you. बच्चन सर, बच्चन सर। दरअसल ये फिल्म जो है इट इज़ एन एक्शन एडवेंचर फिल्म एंड इन दैट सेंस द जॉनर इज सिमिलर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का भी जॉनर एक्शन एडवेंचर है इसका भी एक्शन एडवेंचर है कहानियों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है जो जॉनर है उसमें सिमिलैरिटी जरूर है जी बच्चन सर सॉरी दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन लेट मी क्यू यू दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन माय क्वेश्चन स्ट्रेट अहेड बच्चन सर रसल डिसिल्वा in the motion poster, your name is given as Khuda Baksh, but here in the trailer, everyone is calling you Azad. Why is that, sir? So that you can go and see the film and find out why. On that note, I think this is all the time we have. One last question, your Manisha, you're from Friday Talks. Pooch lene dijiye, kahan baar baar mauka milta hai in sab logon ko. Sir, upar. Yes. I want to ask all of you whether you've ever thugged in life. हाँ मैंने तो बहुत लोगों ठगा है। I have to admit. ठग का मतलब समझाइए पहले। Like maybe when you were small, maybe a thug. So you didn't want to go to school and you did something to avoid going to school. हाँ, जब स्कूल में थे। तो वो टिफ़िन होता है ना वो साथ में दिया जाता था हम खाते होते नहीं थे उसको लेकिन जब वापस आते थे और जब बस से उतरते थे एक चौराहे पे जहाँ से हमको पैदल जाना पड़ता था अपने घर पे तो वहीं कोने में झाड़ी में हम खाना फेंक देते थे और टिफ़िन खाली ले जाते थे तो घर पे ऐसा लगता था खाना खा के आए आई थिंक आई हैव डन मेनी सच थिंग्स प्रोबेबली स्लाइटली
worse than what Amitji has described. Would you like to share it? No. Katrina, could we hear from you on this one, please? Katrina, could we please hear from you? I don't think I've done any such misdeeds. A well-behaved girl. Victor? मैं अपना बताऊं या बाकी सब आपका कटरीना पूरे देश को ठग रही हैं आप क्या क्या नहीं मैं बहुत ही सीधा और शरीफ इंसान हूं मैंने आज तक किसी को नहीं ठगा और ना ही मैं सिर्फ ऑडियंस को ठगना चाहता हूं बस फातिमा मैं तो सबसे सीधी लड़की हूं मैं नहीं ठग सकती किसी को इतना मासूम चेहरा आई थिंक योर आंसर इज प्रीटी एविडेंट बाय दिस टाइम And I think with that, we must say that we have introduced the Thugs of Hindustan to you, ladies and gentlemen. Can I please request our friends from the press who would like to get a lovely shot of the cast to kindly get ready with your cameras? Can I please request our wonderful team of Thugs of Hindustan to kindly step forward and take that wonderful, glorious photo that is going to break the internet today. Like to All right, are you ready? Presenting Team Thugs of Hindustan to you. To you, Hindustan, thank you. Now That's the EF, right? Sir, only that. Wow. Ladies and gentlemen, thank you so much. We love you, EF. Thank you so much. And thank you, friends of the media, for being here today. It's been an absolute pleasure. 8th of November, don't forget, Thugs of Hindustan.